हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका अलका सराओगी को वर्ष 2001 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। साहित्य अकादमी ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ये पुरस्कार अलका सराओगी को उनके उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी 2001 पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अन्य प्रमुख साहित्यकारों में शामिल हैं अंग्रेजी के लिए राजमोहन गांधी, गुजराती के लिए धीरू बेन पटेल, तमिल के लिए स्वर्गीय सी एस चेलप्पा, उर्दू के लिए नैयर मसूद, मैथिली के लिए स्वर्गीय बबुआ जी झा अज्ञात और बांग्ला के लिए अतिन बंदोपाध्याय। इनमें 7 काव्य संग्रह है, 6 उपन्यास है, 4 कहानी संग्रह है, 1 जीवनी है, 1 महाकाव्य है, 1 निबंध संग्रह है और 1 है एक साहित्य का इतिहास। इनमें 20 पुरस्कार यूनानिमस है और 2 पुरस्कार मेजॉरिटी वोट से हमने दिया है। साहित्य अकादमी ने इस बार सभी 22 भाषाओं में पुरस्कार देने का फैसला किया है। प्रत्येक पुरस्कृत रचनाकार को सम्मान स्वरूप 25,000 रुपए नकद, शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका अलका सराओगी को वर्ष 2001 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। साहित्य अकादमी ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ये पुरस्कार अलका सराओगी को उनके उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी 2001 पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अन्य प्रमुख साहित्यकारों में शामिल हैं अंग्रेजी के लिए राजमोहन गांधी, गुजराती के लिए धीरू बेन पटेल, तमिल के लिए स्वर्गीय सी एस चेलप्पा, उर्दू के लिए नैयर मसूद, मैथिली के लिए स्वर्गीय बबुआ जी झा अज्ञात और बांग्ला के लिए अतिन बंदोपाध्याय। इनमें 7 काव्य संग्रह है, 6 उपन्यास है, 4 कहानी संग्रह है, 1 जीवनी है, 1 महाकाव्य है, 1 निबंध संग्रह है और 1 है एक साहित्य का इतिहास। इनमें 20 पुरस्कार यूनानिमस है और 2 पुरस्कार मेजॉरिटी वोट से हमने दिया है। साहित्य अकादमी ने इस बार सभी 22 भाषाओं में पुरस्कार देने का फैसला किया है। प्रत्येक पुरस्कृत रचनाकार को सम्मान स्वरूप 25,000 रुपए नकद, शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।